नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय आपको विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल पुष्कर राज लेकर आए हैं। पुष्कर जो कि अजमेर जिले में है, यहाँ का प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध पशु मेला, जो दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है, वो इस समय यहाँ पर चल रहा है। और एक और ये स्थान उसके लिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर देश का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर में है। आज हम आपको पुष्कर के विश्व प्रसिद्ध पशु मेले का अवलोकन करवाने के लिए आए हैं। और ये आप देख रहे हैं मेले का प्रवेश द्वार है। आइए पुष्कर के इस विराट पशु मेले का अवलोकन करते हैं और ब्रह्मा जी मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं। पुष्कर का दृश्य आप देख रहे हैं, पुष्कर मेला 2018 का अवलोकन करने के लिए आज हम पुष्कर पहुँचे हैं। मेले का अवलोकन करने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं पुष्कर। आप देख रहे हैं बहुत सारे फॉरेनर्स को आप देख रहे हैं जो मेले का अवलोकन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। बहुत सारे ऊँट गाड़े आपने देखे होंगे, लेकिन इस तरह का नहीं देखा होगा। अक्सर विवाह सौदे में दुल्हन को बिठाने के लिए इस तरह की गाड़ी लोग लेकर आते हैं। मेला ग्राउंड का दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ पर वॉलीबॉल का मुकाबला चल रहा है और लोग ऊँट की सवारी का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ढंग से इनको सजाया गया, आप देख सकते हैं। पुष्कर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, अजमेर ज़िले का ये पुष्कर जो कि विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ के ब्रह्मा जी मंदिर के लिए दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है तो वो है पुष्कर में। और इस समय जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा ग्राउंड है जहाँ पर पशु मेला चल रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और यहाँ का जो पशु मेला है ऊँटों के लिए और घोड़ों के लिए जाना जाता है। जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ ये ऊँट गाड़ा है, लेकिन आपको कुछ अलग लग रहा है क्योंकि अक्सर एक सीधे साधे ऊँट गाड़ी में आप बैठे होंगे, लेकिन इसको आप देख रहे हैं एक दुल्हन की जो डोली होती है, इस तरह से इसको सजाया गया। बाकायदा इसमें मसन लगाए गए हैं, इस पर गद्दे लगाए गए हैं, और जब इसमें बैठकर आप सवारी करते हैं उसका एक अलग आपको मज़ा आता है। और इस सवारी का मज़ा पुष्कर आने वाले प्रत्येक लोग लेकर जाते हैं। देख रहे हैं सारे लोग यहाँ पर मेले का आनंद ले रहे हैं। ये आप देख रहे हैं इस सवारी का आनंद लिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं घुड़सवारी हो रही है। आप देख रहे हैं घुड़सवारी का आनंद लिया जा रहा है। ऊँटों के लिए, घोड़ों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध स्थान पुष्कर का नज़र आपको दिखा रहे हैं। पुष्कर का नज़र आपको दिखा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पर होता है। हालांकि इस बार मेले में इतनी ज़्यादा रौनक देखने को नहीं मिल रही है, फिर भी दोपहर के वक्त का नज़र आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे जो घुड़सवार हैं वो घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं, ये अपने वार्म अप कर रहे हैं। और ये लोग यहाँ पर जो दर्शक आते हैं उनका मनोरंजन करते हैं, घोड़ों पर स्टंट भी करते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं अपने घोड़ों को वार्म अप कर रहे हैं। ये पूरा स्टेडियम है पुष्कर का जहाँ पर ये मेला होता है। नित्य 7 दिन के मेले में अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं, विदेशी पर्यटक इन कार्यक्रमों को देखते हैं। फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आए हैं वो इन कार्यक्रमों का मज़ा ले रहे हैं। घोड़ों के स्टंट शुरू हो रहे हैं। ये देखिए स्टंट, शानदार स्टंट यहाँ पर घोड़ों का स्टंट आप देख रहे हैं। तेज दौड़ते हुए किस तरह से इसको उठा के लाए हैं, एक बार पुनः इसको लगाया गया है। स्टंटबाज अपने स्टंट दिखा रहे हैं, बाले से किसी चीज को कैसे उठाया जाता है। लोग इन खेलों का मजा ले रहे हैं, तेजी से घोड़े पर आ रहे हैं। ये देखिए फिर इसको लगाया जा रहा है। ये रुमाल रखा जा रहा है, इसको उठाया जाएगा स्टंट बाज के द्वारा। राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये स्थान एक प्रसिद्ध स्थान है, तीर्थराज इसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ का जो पशु मेला है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में इस मेले को देखा जाता है। और इस समय ये 7 दिन का मेला है जो अंतिम चरण में चल रहा है। और इस समय आप दोपहर के बाद में आप देख रहे हैं घोड़ों के द्वारा स्टंट किए जा रहे हैं। पहले आपने देखा एक भाले से कुछ चीज़ को उठाया जा रहा था, अभी आप एक लाल रुमाल लगाए गए हैं जिसको स्टंटबाज तेज दौड़ते हुए आएंगे और इसको उठा के लेकर जाएंगे। और बहुत बड़ी संख्या में लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कार्यक्रम का मज़ा ले रहे हैं, और जगह जगह अनेक तरह के कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। पुष्कर का नज़र आप देख रहे हैं, ये देखिए ये घोड़ा आ रहा है बहुत तेज़ी से दौड़ते, और नहीं उठा पाए इस बार। आप देख सकते हैं
क्योंकि ये बहुत आसान नहीं है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रुमाल यहाँ पर लगाए गए हैं, ये देखिए, और तेज़ी से घोड़ा दौड़ते हुए आ रहा था और अचानक उसको झुकते हुए इसको उठाना होता है। अगर थोड़ी सी चूक हुई तो दुर्घटना भी हो सकती है, घुड़सवार गिर भी सकता है। इस बार वो इस मूवमेंट में नहीं थे, इस कंडीशन में थे कि इसको उठा पाएँ। देखते अगली ट्राई में वो क्या करते हैं। आ रहे हैं और इस बार उठा लिया उन्होंने, इस बार सफलता प्राप्त की। युवाओं के द्वारा स्टंट किए जा रहे हैं और ये आप देख रहे हैं बहुत तेज गति से घोड़ा रहा है दौड़ते हुए, नहीं उठा पाए एक बार फिर। बड़ी संख्या में लोग आप देख रहे हैं इन सेंस का मजा ले रहे हैं और फिर से आप देख रहे हैं तैयारी हो रही है, एक बार फिर प्रयास होगा। और ये आप देख रहे हैं बहुत तेज गति से दौड़ते हुए आ रहे हैं और इस बार उठा लिया आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर। अजमेर ज़िले के पुष्कर का दृश्य आप देख रहे हैं, पुष्कर तीर्थराज पुष्कर, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला चल रहा है। देख रहे हैं ये लड़की भी काफ़ी देर से अपने छोटे मोटे करतब दिखा रही है। हाँ चाल में चल बात थोड़ी तेज, हाँ सीधे सीधे चल बात, पाँचो टीवी ले बुजुर्ग भी आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं। पुष्कर मेले का नज़ारा आप देख रहे हैं, इस समय दोपहर का वक्त है और आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर घोड़ों को स्टंट कर रहे हैं। वहीं पर एक लड़की सबके लिए आकर्षण का केंद्र है, हालांकि ये कोई स्टंट नहीं करी है लेकिन बहुत अच्छी घुड़सवार लग रही है। क्या नाम आपका? शाहिबा बानो। शाहिबा बताएंगे कि आप ये कब से प्रैक्टिस कर रही है? अभी से ही, दो तीन दिन पहले से ही। आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं, नहीं लगता, हम रोज इसके साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो डर नहीं लगता हमको। आपके परिवार के लोग ये घोड़ों का काम करते हैं? और जिस घोड़े पर आप सवार हैं इसकी क्या कीमत लग रही है इस मेले में? अभी इसकी 3 लाख लग चुकी है और हमारे 11 लाख मांग रहे हैं हम इसका। और मेला इस बार किस तरह का लग रहा है? अब की बार बहुत अच्छा लगा हमें मेला, जो पहले दो तीन सालों में जो मेला था उनमें बहुत कुछ लगा ही नहीं कुछ भी, और अब की बार जानवरों की कीमत भी बहुत अच्छी आ रही है और मेले में ग्राहक भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जानवरों के। जब कितने घोड़े लेकर आए हैं? हमने अभी यहाँ पे 3 लेकर आए हैं। बिका कोई? 2 बिक गए। यानी इसके 11 लाख रुपए मांग रहे हैं, कहाँ कितने तक दे सकते हो आप इसको? हम देना नहीं चाहते इसको। हकीकत सामने आ गई, ये कह रहे हैं इसको देना नहीं चाहते क्योंकि साहिबा को इस घोड़े से विशेष प्रेम लग रहा है मेरे को, जिस तरह से लगातार यहाँ पे से घुड़सवारी करी है। फिलहाल पुष्कर का जो ये पशु मेला है अपने पूरे चरम पर पूरे सभा पे नजर आ रहा है और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं मनोरंजन किया जा रहा है लोगों का। पुष्कर मेले का नजर आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत कला है ये। लोगों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। ये देखिए कमर पे इस रिम को हिलाया गुनाया जा रहा है। ये देखिए एक और नृत्य, किन्नर जाति के लोग हैं। पुष्कर मेले के रंग आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं गर्दन पे इसको रखा गया है। अंदाज इनका क्या अंदाज है, अदाएं देखिए इनकी। कृष्ण भगवान भी आ गए हैं गोपियों के साथ और कृष्ण भगवान का नृत्य देखिए आप।
चक्कर मेले के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखा रहे हैं और भगवान के साथ राधा जी भी अब अद्भुत है। निश्चित रूप से बहुत प्रसिद्ध मेला है और इस तरह की चीज़ों के लिए जाना जाता है। बहुत ही खूबसूरत नृत्य आप देख सकते हैं। अजमेर जिले के पुष्कर का नज़र आप देख रहे हैं। देखिए अंदाज, अजमेर जिले के पुष्कर का दृश्य आप देख रहे हैं। पुष्कर का प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध पशु मेला चल रहा है और यहाँ पर लोगों के मनोरंजन के लिए जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं वो निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं भगवान कृष्ण और राधा जी के साथ नृत्य हो रहा है और एक कलाकार है वो रिम के ऊपर नृत्य कर रहा है, कहीं गर्दन पर रख रहा है, कभी माथे पर तो कभी कमर पर, लेकिन ये नज़र आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। पुष्कर स्टेडियम का नज़र आप देख रहे हैं जहाँ पर 7 दिन का विश्व प्रसिद्ध पशु मेला चल रहा है और विदेशी सैलानी जो आ रहे हैं, जो देश विदेश के लोग आ रहे हैं, वो मेले का भरपूर मजा ले रहे हैं और ये लोग उन सब का मनोरंजन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत रूप है ये, ऐसा लग रहा है जैसे भगवान कृष्ण और राधा जी यहाँ पर प्रकट हो गए हैं। देखिए इनके दा, देखिए वाह क्या अंदाज है, बहुत ही खूबसूरत है ये। सभी अपने अपने तरीके से मेले का मजा ले रहे हैं। फॉरेनर्स बहुत आनंद ले रहे हैं मेले का। ये देखिए ये श्वेत घोड़िए, ये बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पुष्कर मेले में आती हैं। It's very strange as we can see a lot of animals that we used to see in our countries. Thank you. It's wonderful. I'm from America and we don't have anything like this. It's fabulous. I'm from Chicago, Illinois. It's my first time to India. I love the fair. Love all the animals, the horses and the camels.